ये एक उड़ीसा के एक राजा थे, उनका रामचंद्र देव के 1700 साल के करीब उस समय। जब ये रामचंद्र देव उड़ीसा के जब राजा थे, उस समय उड़ीसा में एक मुसलमान राजा सुजा खान उड़ीसा अटैक कर, और सुजा खान जब ये उड़ीसा अटैक किया, अभी उनके राज्य वापस लेने के लिए ये जो उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव, उन्होंने ये सुजा खान के जो सेना अध्यक्ष है मुर्शिद कुली खान, उनके बेटी से शादी कर ली, क्योंकि उड़ीसा जो राज्य है वो वापस लेने के। अब जब शादी कर ली, तब पूरी मंदिर के जितने पंडा है और पुरी के लोग सब उनको जाति च्युत कर दिए कि तुम हिंदू समाजवाद नहीं रह सकते क्योंकि तुम मुसलमान से शादी की। लेकिन ये राजा तो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान जगन्नाथ के, और अभी रोज रोज जगन्नाथ पूरी मंदिर के सामने जाके रोते थे, ये भगवान आपका दर्शन और मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि वो राजा थे, फोर्स नहीं किया इस चीज को। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए, राजा रामचंद्र देव के स्वप्न में आके कहते कि ये काम करे, ये जो भगवान जगन्नाथ है उसके एग्जैक्टली अनुरूप और एक विग्रह बना जिनका नाम होगा पतित पावन, और ये सिंहधार में ये विग्रह रखना, जो मेरा सेवाए थे उनको ये विग्रह की सेवा करेंगे, और ये पतित पावन विग्रह जो है ये भगवान जगन्नाथ से अभिन्न है। और एक ही स्वप्न एक्चुअली जो पुजारी है उनको भी रात को आया। तो अगले दिन ये राजा के आदेश पर ये पांडा लोगों ने पतित पावन विग्रह स्थापन किया। इसलिए पतित पावन जो विग्रह है ये एक्चुअली भगवान जगन्नाथ से अभिन्न। तो असल में भगवान रथ यात्रा में निकलते, जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते उनको दर्शन देने के लिए उनको कृपा करने के लिए।